हेलो फ्रेंड्स, आई एम राहुल एंड वेलकम टू द चैनल ECLE। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू विल बी फिट एंड फाइन। तो आज मैं एक ऐसी समस्याओं के बारे में बात करने वाला हूं जो आपने हमेशा, कुछ स्टूडेंट्स हैं उनको हमेशा रही होगी कि मैंने खूब ग्रामर पढ़ ली, खूब मैंने सेंटेंस रट ली, मैंने सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी मुझे अंग्रेजी नहीं आ रही। ऐसा कैसा कारण है, कौन सा कारण है कि मुझे अंग्रेजी आ क्यों नहीं रही है? ऐसा मैं क्या करूं कि मुझे अच्छी अंग्रेजी बोलनी आने लगे और मैं ऐसा कुछ करने लगूं कि मुझे अच्छी अंग्रेजी में आपके सामने बोल पाऊं और साथ ही साथ मेरा कॉन्फिडेंस डेवलप भी हो पाए। तो आज मैं ऐसी समस्या के बारे में एक डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है? तो यह इट्स माय पर्सनल ओपिनियन, आप पर्सनल ओपिनियन या मेरी पर्सनल राय समझ सकते हो जो कि मैं समझता हूं और मेरा जो राय है। तो एक स्टूडेंट के सामने एक समस्या रहती है, मैं खूब ग्रामर पढ़ ली, खूब मैंने ग्रामर पढ़ ली, खूब सेंटेंस बना ली, खूब रट ली, बट स्टिल आई एम नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश। मैं फिर भी मैं अंग्रेजी बोल नहीं पा रहा हूँ। मैं बोलता हूँ तो मैं अटकने लगता हूँ कोई, और मेरे दिमाग में तो बहुत कुछ रहता है, रहती है समस्या कि मेरे दिमाग में बहुत कुछ रहता है कि जब मैं बोलूँगा तो मैं ये बात बोलूँगा, मैं ये बोलूँगा, लेकिन जब मैं बोलने की शुरुआत करता हूँ तब मैं भूल जाता हूँ, कॉन्फिडेंट नहीं आता है, हलवराने लगता हूँ, हकलाने लगता हूँ और बहुत सारे फ्लक्चुएशंस क्रिएट होने लगती है और मैं अंग्रेजी को बोल नहीं पाता हूँ, कॉन्फिडेंट नहीं आ पाता है, हेजिटेशन होता है बहुत ज़्यादा। तो आज हम ऐसी समस्या के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आखिर ये होता क्यों है, हेजिटेशन और होता क्यों, हमें हेजिटेशन होने का क्या कारण है, हेजिटेशन के ऐसा क्या, कौन सा कारण है कि हम अंग्रेजी बोल नहीं पाते, हेजिटेशन, ठीक है? तो अगर हम किसी से कम्युनिकेट करें तो अभी दिक्कत होती है, या हम जनरली अगर हम किसी की ओपिनियन बोलें तो अभी दिक्कत होती है। तो मेरी आज जो वीडियोस है उनके लिए है जो जिनने ग्रामर तो पढ़ ली है, जिनको ग्रामर थोड़ी बहुत आती है लेकिन वो फिर भी अंग्रेजी नहीं बोल पाते, आखिर ऐसा कौन सा कारण है तो वो अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं। तो मैं समझता हूँ, जहाँ तक मैंने समझा है, तो फर्स्टली मैं अपना बता दूँ तो मैंने कम से कम, मैं 2018 से मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ। मैंने लगभग 10 सितंबर को मैंने अंग्रेजी की शुरुआत की थी, 10 सितंबर 2018 में, ठीक है, 10 सितंबर 2018 को मैंने अंग्रेजी बोलने की शुरुआत की थी, लर्निंग सीखी थी। उस समय पर कुछ नहीं आता था उस समय पे। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ, 10 सितंबर 2018 से आज क्या चल रहा है, आज अप्रैल, मतलब आपका कौन सा मई चल रहा है, ठीक है, आपका मई के महीने चल रहा है, आज 10 तारीख है आपका चल रहा है, तो लगभग 2 से 3 साल होने वाले हैं, लगभग 2 से 3 साल क्या होने वाले हैं। और मैंने लगभग कब से, मैंने लगभग 21 मार्च 2019 से मैंने स्पीकिंग क्लास की स्टार्ट की थी, जो कि मैं जनरली अपने गांव पर मैं इंग्लिश पढ़ाता था, ठीक है। तो मैंने लगभग कम से कम 10 से 15 स्टूडेंट्स को मैं अंग्रेजी सिखा चुका हूँ, ठीक है, 15 स्टूडेंट्स और भी और ज़्यादा हो सकते हैं जो कि उनको अंग्रेजी बोलनी आने लगी थी और भी अंग्रेजी आज बोल भी रहे हैं, ठीक है। उनमें से एक सवानी स्टूडेंट्स है मेरी, ठीक है, मैं हमेशा बताता हूँ, तो वो भी अंग्रेजी बोलने लगी थी इतने होने के बाद में, ठीक है। तो आखिर समस्या आ क्यों रही है, ये समस्या क्यों आ रही है, इस समस्या कब क्रिएट होती है? तो आई थिंक दैट ये समस्या की कब क्रिएट होती है, जब हम अपनी अंग्रेजी को, अंग्रेजी हम सब साइंटिस्ट भी नहीं आते, सब कुछ आते हैं, लेकिन हम लैकनेस ऑफ द प्रैक्टिस, जो प्रैक्टिस की जो कमी है, जो प्रैक्टिस में हम कमी रह जाती है बोलने में, एक्सप्लेनिंग करने में, उसकी वजह से समस्या आती है। तो क्या होता है कि हम ग्रामर तो सीख जाते हैं, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें भी रहती हैं कि जैसे कि हमें सेंटेंस बनाना सब आ रहा है, तो हमें क्या रैंडमली फर्स्टली हमें सेंटेंस बोलने आने चाहिए कॉन्फिडेंटली, जो कि हम सोचें और उसको हम बना लें, जो भी हम सोच रहे हैं उसको उस प्रकार के हम क्या सेंटेंस बना लें, उस प्रकार से हम क्या एक प्रकार से ट्रांसलेट कर पाए। तो एक तो वो होनी चाहिए जो कि इंडिविजुअली सेंटेंस हम बोलते हैं, तो अगर आप उसकी कमी है तो हो सकता है कि आपको हेजिटेशन है, क्योंकि आपको दिमागी काम नहीं करेगा। दूसरा क्या है कि आपकी जो थिंकिंग है, पर थिंकिंग आपकी डेवलप नहीं हुई, आपकी जो कमी है वो किस में कमी है,
वो आपकी थिंकिंग को डेवलप, थिंकिंग आपकी डेवलप नहीं हो पाई है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप इसका मतलब आप अन्यथा नहीं लेना, आप इसका मतलब ये नहीं है कि आप सोच नहीं पाते या आप में दिमाग नहीं है, ये नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ आपकी थिंकिंग है जो थिंकिंग आपकी डेवलप नहीं हो पाई, मतलब कि हम किसी के बारे में सोचना स्टार्ट करें तो हम उसके बारे में सोच नहीं पा रहे जल्दी जल्दी और हम उसको ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे या पर उसको हम बोल नहीं पा रहे। जैसे कि मैं एक पेन है या मैंने बहुत सारे एग्जांपल देता हूँ, अगर उसके बारे में आपको नॉलेज होगा, ज्ञान होगा, आप जल्दी जल्दी सोच पाओगे तो आप 100% आप बोल पाओगे, 100% आप यूज़ कर पाओगे। तो लेकिन इसकी कमी कहाँ है आप में, मतलब कमी कहाँ होती है, तो मैंने देखा है मेरे एक्सपीरियंस में कि स्टूडेंट क्या थिंक नहीं कर पाते हैं। जब मैं स्टूडेंट पढ़ा था उनके साथ क्या दिक्कत होती थी, जो किड्स थे, बच्चे थे, ठीक है, तो वो अच्छी सेंटेंस बोल लेते थे, बना लेते थे, लेकिन जब उनसे बोलते थे कि सेंटेंस मतलब इस टॉपिक बोलो तो बोल नहीं पाते थे, वो चुप हो जाते थे कि थोड़ा बहुत एक दो सेंटेंस बोलो और रुक जाते थे। तो उनके साथ दिक्कत क्या थी, वही आपके साथ आई थिंक डैट कि दिक्कत ये है कि आप क्या है उनकी उस समय पे थिंकिंग डेवलप नहीं हो पाई। वो तो छोटे हैं ले, आप बड़े हैं, लेकिन उस समय आपने क्या किया कि सिर्फ ग्रामर को लर्न किया है, जस्ट ग्रामर की यस आई कैन मेक दिस सेंटेंस, आई कैन स्पीक दिस सेंटेंस, जस्ट आपने क्या लर्न किया है, अपनी थिंकिंग डेवलप नहीं कर पाई। तो अगर आप थिंकिंग अपनी डेवलप कर लेते हो तो 100% आपको जो हेजिटेशन है, या अगर हम बात करें तो आपको जो जिस प्रकार से आपकी अंग्रेजी नहीं निकल रही, वह अंग्रेजी अपने आप निकलेगी। तो क्या करना है हमें, सोचना है थिंक, जितना हो सके उतना सोचो और बोलो, सोचना के लिए नहीं, सोचो और बोलो, ठीक है। तो थिंक करो और क्या करना है, बोलना है। तो हमें क्या करना है कि आप एक टेबल पर एक टास्क लो अपने आप से, क्या लो अपने आप से टास्क लो, क्या स्पीकिंग इंग्लिश चैलेंज का, कि 30 दिन अगर 30 दिन में से स्पीकिंग चैलेंज में आप 30 दिन लो कि मुझे 30 दिन क्या करना है, मुझे अंग्रेजी बोलनी है कैसे भी हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं असंभव प्रयास नहीं बताऊँ, मैं वो बताऊँगा जो आप कर पाओगे, ठीक है। तो 30 दिन क्या करना है कि आपको एक टॉपिक पकड़ना है, एक टॉपिक कोई लेना है, छोटे छोटे टॉपिक, और 30 टॉपिक बना लो, 30 टॉपिक की क्या कर लो, लिस्ट बना लो, 30 टॉपिक, छोटे छोटे टॉपिक हैं, छोटी बड़ी हो, जैसे कि बना सकते हैं एजुकेशन वाइज, एजुकेशन इंपॉर्टेंट फॉर अस, या हम बना सकते हैं पॉल्यूशन पर, अभी क्या लेटेस्ट में कोरोना वायरस चल रहा है तो कोरोना वायरस क्यों फैल रहा है, उसको सोचो लिखो और बोलो, सोचो लिखो और बोलो। तो क्या करना है, 30 दिन में आप 30 टॉपिक चूज़ करो, कितने 30 दिन में आप 30 टॉपिक का पूरा टाइम टेबल बना लो, 30 दिन का टारगेट कि मुझे एक दिन में एक टॉपिक के बारे में सबसे पहले क्या करना है, हमें उसके बारे में पढ़ना है अच्छे से, फिर उसको सोचना है, उसको ट्रांसलेट करना है, उसको बोलना है, ठीक है। अब आपको दिक्कत देगी कहाँ बोलेंगे, किसके सामने बोलेंगे, कहाँ बोलेंगे, तो मैंने बताया, मैंने कई बार अपने वीडियोज में बताया है कि आपका जो मोबाइल है और आपका आईना है, दो चीज़ें आपके दोस्त हो सकते हैं, दो चीज़ों से आप दोस्ती कर लो, मोबाइल से दोस्ती कर लो या फिर किससे कर लो, आईने से कर लो, ठीक है, किससे कर लो, आईने से दोस्ती कर लो। तो आप 30 दिन टॉपिक करो या वीडियो बनाओ या फिर रिकॉर्डिंग करो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर आप मोबाइल से दोस्ती कर लोगे, मोबाइल के कैमरे से दोस्ती कर लोगे या फिर रिकॉर्डिंग से अगर दोस्ती कर लोगे तो आपको हेल्प रहेगा, क्योंकि आपको क्या करना है, 30 दिन का चैलेंज लो और एक दिन डेली रिकॉर्ड करो, डेली 10 मिनट बोलो उसके सामने, डेली 10 मिनट बोलो, आईने का कैमरा सेट करें, कहीं भी रख लो, ऐसे को नियम रख के कहीं भी आप रख लो और डेली सेट करो, डेली करो, बिल्कुल 10 दिन 30 दिन और चेक करो कि मैं पहले दिन में कैसे बोल रहा था, टूटी बोल रहा था, फूटी बोल रहा था या कैसे भी बोल रहा था, अब मैं कैसे बोल रहा हूँ। तो अगर आप इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो, अगर आप हाँ तमन्ना है कि यस आई वॉन्ट टू लर्न स्पीक इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी सीखनी है कैसी भी हो, जो चाहे वॉट एवर में भी मुझे अंग्रेजी सीखनी है, चाहे जो भी हो जाए, तो आपको 30 दिन में स्वयं से चैलेंज ले सकता है, लिख सकते हो। और एक बात है कि आपको अंग्रेजी सीखने से, अंग्रेजी आपको सिर्फ एक ही व्यक्ति सिखा सकता है, कोई नहीं सिखा सकता है, वो सिर्फ आप खुद हो, आपको सब एक ही व्यक्ति अंग्रेजी सिखा सकता है, वो खुद है। अगर आप खुद को अगर सीखना चाहते हो तो आपको पहले खुद को इम्प्रूव करना पड़ेगा, आपकी डिज़ायर है जो इच्छा वो जागृति, आपकी बर्निंग डिज़ायर होनी चाहिए। आपको एक ही व्यक्ति रुक रहा है अंग्रेजी सीखने से, वो आप खुद हैं। अगर आप खुद चैलेंज ले लो कि यस आई विल स्पीक इंग्लिश 10 डेज 20 डेज या 30 डेज, जितना भी लो, आप उतना चैलेंज लेना, मैं बोलता हूँ जितना आप कर पाओ। तो एक दिन 30 दिन में चैलेंज ले लो, यस आई हैव टू स्पीक, छोटे छोटे टॉपिक बनाओ, 30 दिन के लिए टॉपिक बनाओ, सीख जाओगे, सीख क्या इम्प्रूव कर जाओगे, एक महीने में इम्प्रूवमेंट होगा।
मैं नहीं बोल रहा हूँ कि एक महीने के अंदर आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलने लगोगे, लेकिन मैं ये गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि अगर आप 10 दिन डेली आपने एक टॉपिक बना लिया, एक टॉपिक पर अच्छी सर्च करके आपने बोल लिया, तो आप 100% आप अंग्रेजी बोलोगे। तो आप रोना नहीं रोगे कि मैंने बहुत ग्रामर पढ़ ली है, मैंने बहुत सेंटेंस बोली है, लेकिन स्टिल आई एम नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, आई एम नॉट एबल टू स्पीक। नहीं, आप रोना नहीं रोगे। तो ये किसके लिए है? जो लोगों को ग्रामर आने लगी है, जो करने लगे ग्रामर आने लगी सब कुछ, लेकिन उन पर नहीं करते, उनके लिए है। तो क्या करना है आपको? सब यही करना है कि 30 दिन का चैलेंज लो खुद से, आई विल स्पीक इंग्लिश। भले चाहे आप 10 मिनट बोलो, उस पर 10 मिनट बोलने के लिए आप सर्च करो, चाहे आधा घंटा टाइम लो। बनाना कैसा टॉपिक? पहले आप हिंदी में बनाओ, फिर अंग्रेजी बनाओ। हिंदी में क्यों बोल रहा हूँ बनाने को? हिंदी इसलिए बोलो कि आप सोच पाओ ज़्यादा, उसके बाद आप ट्रांसलेट कर पाओ, ठीक है, ट्रांसलेट कर पाओ। और आप ये बिल्कुल मत सोचना कि इसमें कि जब बोलते टाइम इसमें क्या लिखा है, मत सोचना। आप तो बस बोलते जाना, जैसा भी हो, टूटी हो, कि चाहे एक लाइन, चाहे आप आराम से बोलो, चाहे कैसे बोलो, लेकिन 30 दिन चैलेंज लेके देखो, 100% यू विल इम्प्रूव। आप 100% इम्प्रूव करोगे, मैं गारंटी दे सकता हूँ। और अगर 30 दिन के बाद अगर आप ये अंग्रेजी सीख ना पाए, तो कुछ नहीं, मैं अंग्रेजी पढ़ाना छोड़ दूंगा। मैं बोल सकता हूँ कि वह वीडियो मेरी यूट्यूब की लास्ट वीडियो रहेगी। अगर आप 30 दिन में आप ये नहीं कह पाओ कि नो, मैंने 30 दिन में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है, आप 10 दिन करके देखो इसको। और अगर 10 दिन में आप ये बोल दो कि यार कुछ नहीं हुआ इससे, तो मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा यूट्यूब पर। तो खुद से चैलेंज लो और सीखो, आप अंग्रेजी सीख सकते हो, 100% आप अंग्रेजी सीख सकते हो, बस आप खुद ही सीख सकते हो। ये डिटर्मिनेशन मस्ट बी स्ट्रॉन्ग, आपका जो डिटर्मिनेशन है ना वो मजबूत रहना चाहिए, ठीक है, यही है। तो ये मेरी सिंपल वीडियो थी, आप क्या सोचते हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और जो भी इस चैलेंज को ले रहा है प्लीज़ मुझे ज़रूर से ज़रूर बताएं। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं यूट्यूब पर भी 30 दिन इंग्लिश स्पीकिंग चैलेंज आपके बीच ज़रूर लाऊं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखते रहिए ECLE।